हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये सिर्फ 9 फंदे के हैं और ये 9 फंदे के हैं और बिल्कुल ही आसान है। आप इसे चाहो तो पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हो। बस ये बनाकर, डिज़ाइन बनाकर आप 4 फंदे उल्टी बुन लो प्रत्येक लाइन में और फिर दूसरी डिज़ाइन दे दो। और इसमें कुछ नहीं है, बस ये 4 लाइन की है डिज़ाइन। आप जरा देख लो, मैंने दो दो एक्स्ट्रा दोनों तरफ लिए हैं, बीच के 9 फंदे हैं। बस करना है आपको कुछ नहीं, 2 फंदे इधर से लीजिए, इधर के इधर घुमा देने हैं। ये हो गया, एक बीच की इसी तरह से बुन जाएगी। और फिर जो 4 इधर हैं उसको आप इस साइड कर लो। 2 फंदे यूँ पकड़ा, फिर ये दोनों को इस तरफ करके ऊपर वाले साइड के फंदे ऊपर से आएंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ साइड के फंदे ऊपर से आएंगे। ये हो गया, और मैंने 2 साइड से रख लिए। आप चाहो तो 4-4 फंदे बीच में रख करके पूरे स्वेटर इस तरह से भर सकते हो। देखो यहाँ, ये मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है आपको डिज़ाइन बताने के लिए। अब आप फिर और उल्टी में, ये पूरी साड़ी उल्टी ही बनेगी। बहुत ही आसान सा है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। दोस्तों, वीडियो पसंद पड़ जाए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, ये मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है, नहीं तो इस तरह से बनेंगे। ये आपकी मर्जी है। फिर मैंने ये रखा, फिर आप इसे प्लेन बुन जाओ। बहुत ही आसान सा है, थोड़ा भी बनाना जानते होंगे, आसानी से ये बन जाएगी डिज़ाइन और भरने पर बहुत खूबसूरत लगेगी। कोई पेंच नहीं है और ना ज़्यादा ऊन खर्च होगी। देखो, ये मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, 2 लाइन के बाद ये बनते, आपको बताने के लिए। फिर मैं बता दूँ, फिर आप उल्टी पूरी उल्टी, सीधी पूरी सीधी, लेकिन जो आपने उल्टे फंदे बीच में ले रखेंगे उसे आप सीधी में भी उल्टी बुनेंगे और उल्टी में भी उल्टी ही बुनेंगे। फिर ये 2 लाइन, ये मैंने 2 साइड से रख लिए हैं उल्टे उल्टे फंदे यूं ही। अब 4 फंदे बीच में रखना, फिर आपको ये जो है बहुत ही आसान है। ये 4 लाइन बनने के बाद, ये चौथी लाइन हुई आपके डिज़ाइन के बाद, चौथी लाइन है ये। आप 2 फंदे यूं ही साइड से बना लो उल्टी, और फिर आपने करना है ये कि
इधर के फंदे इधर डालो, ये साइड वाली फंदी ऊपर से आएंगे और एक बीच में बना लेना है यूं ही। फिर इधर आप जेंट स्वेटर में भी पूरा आगे बना सकते हो, हाफ स्वेटर पीछे प्लेन और आगे पूरा भरा हुआ, सुंदर लगेगा। दोस्तों यही आपका डिज़ाइन है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर ये एक लाइन उल्टी बुनना, फिर सीधी, फिर उल्टी, और फिर ये ऐसे इधर का फंदा उधर पलट देना है। आई होप आप समझ गए होंगे।